मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कह रहा हूं, आपको पता हो कि आपके कुल देवता कौन से हैं? कुल देवी का पता हो आपको, आपको आपके इष्ट का पता हो। मुझे कभी कभी इतना अचंभा होता है, आजकल तो हम ऐसा कभी नहीं करते, किसी से नहीं पूछते, पर आरंभ काल में हम जब दीक्षा दे रहे होते थे और किसी से यूं ही पूछ लें कि भाई संकल्प करना है, अपना नाम गोत्र कुल वंश परंपरा का स्मरण कीजिए, कितना अधिक कष्ट होता था हमको। लोगों को गोत्र तक नहीं पता, अपना आप अपना गोत्र नहीं जानते, आपका गोत्र क्या है, आप किस कुल के हैं, वंश क्या है, परंपरा क्या है, आपको यही नहीं पता आपकी कुल देवी कौन सी है, आपको अपने कुल देवता का ही नहीं पता, आपको अपने ग्राम देवता स्थान देवता का ही नहीं पता, आपको अपनी परंपरा का ही नहीं पता, क्या आप हैं कौन? हम सनातनी तो हैं सारे, पर हम सनातनी में हैं क्या? वैष्णव हैं, स्मार्त हैं, शाक्त हैं, सौर उपासक हैं, गाढ़पत्ते हैं, हम हैं क्या? इतनी जल्दी भूल जाऊंगा हर चीज को, आपको गोत्र याद नहीं रहेगा, फिर कोई आपको भी याद नहीं रखेगा, आप भी फिर तीन चार दिन की कहानी है, कोई याद नहीं रखेगा, कभी नहीं, आप ही याद नहीं रख रहे अपने माता पिता को, आप याद ही नहीं कर रहे उनके माता पिता को और उनके माता पिता को। ये तो पता हो कुलदेवी कौन है, हर घर में कुलदेवी है, घर की देवी, घर परिवार वंश परंपरा की देवी होती है। कई बार वो मुंडन होते हैं, वह यात्राएं जात की जाती है, यात्राएं इष्ट देवता कुल देवता ग्राम देवता हैं बाकायदा। ये तो पता हो कि आज एकादशी है और व्रत करना है, सूर्य षष्ठी है अर्घ देना है, कज्जली तृतीया सिंधारा तीज है तृतीया करनी है, वसंत पंचमी है सरस्वती की पूजा करनी है, नवमी है राम की, अष्टमी है कृष्ण की, याद तो रहे कि रूप चौदस है, दीपावली है, धन त्रयोदशी है। कितना अद्भुत हमारा तंत्र है सनातन धर्म का, अरे तेरहवीं तो करो कम से कम, फिर बारहवां करते हैं, तीसरा और चौथा एक जगह कहा कि हमने तो उठाला कर दिया चौथे दिन, पर आज तो दूसरा ही है, अरे कौन बार बार आएगा, फ्री कर दिया हमने सबको दूसरे दिन। इतनी जल्दी भूल जाएंगे आप उन्हें, कभी याद नहीं करोगे उन्हें, दो दिन में भूल जाओगे, ऐसी विवशता है आपकी कि माता पिता तीन दिन के बाद विसार दिए जाएंगे, उनका स्मरण नहीं होगा, गीता का पाठ नहीं होगा, गरुड़ पुराण नहीं बैठेगा, गायत्री का जप नहीं कराओगे, इष्ट देव का स्मरण नहीं करोगे, उनके उपकार कभी याद नहीं करोगे। इस बहाने से तो मित्र आएंगे, उनकी अच्छी बातें होंगी, चर्चाएं होंगी, कभी कभी ऐसे अभिमान आता है, विस्मृति आती है, इसे कहते हैं कृतज्ञता, थैंक्स गिविंग रखिए है।